हेलो एवरीवन दिस इज़ मोहम्मद अकरम आज हम न्यूमैन की बुक सोशल रिसर्च मेथड्स का सिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजीज ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हम सोशल रिसर्च को अमूमा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिवाइड करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कॉन्टेंट अनिस या सर्वे मैथड को तो यूटिलाइज करते हैं जबकि क्वालिटेटिव मेथड में हम फील्ड रिसर्च या हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च को यूटिलाइज करते हैं इसके अलावा हम अपनी रिसर्च की नेचर के लिहाज से मिक्स्ड मेथड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं मिक्स्ड मेथड को हम अमूमन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च में पाए जाने वाले ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने या उनसे निपटने के लिए यूटिलाइज करते हैं लेकिन मिक्स मेथड रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राई की ट्राई एक आइडिया है जो रिसर्चर अमूमन अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी या ऑथेंटिसिटी को इनक्रीज़ करने के लिए यूटिलाइज करते हैं ट्राई से मुराद ये है कि आप अपनी रिसर्च को डिफरेंट मैथड्स डिफरेंट थेरीज डिफरेंट ऑब्ज़रवेशंस और डिफरेंट मेजरमेंट्स के ज़रिए मोर एक्यूरेट प्रूव करें मतलब क्या मतलब ये कि आप जब कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी या ऑथेंटिसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आप अपनी रिसर्च में डिफ़रेंट मेजरमेंट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं यानी कि आप अपनी रिसर्च को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए डिफरेंट कोशनर यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसके अलावा आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेजरमेंट्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी को इनक्रीज़ करने के लिए इसके अलावा आप अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी को इनक्रीज़ करने के लिए एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर यानी कि एक से ज़्यादा रिसर्चर्स से अपनी रिसर्च कंडक्ट करवा सकते हैं और अगर वो डिफ़रेंट रिसर्चर्स रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद सेम कन्क्लूजनस पर पहुंचेंगे मतलब कि उनके सेम रिज़ल्ट आएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है ज़्यादा ओथेंटिक है इसके अलावा हम अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी को इनक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट थेरीज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जैसा कि सोशियोलॉजी में हम अमूमन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म फेमिनिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म को यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अलावा हम अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट मैथड्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं मतलब ये कि हम ऑब्ज़रवे कंटेंट एनालिसिस या सर्वे मेथड ये डिफरेंट मेथड्स को यूटिलाइज करके अपनी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी या एक्यूरेसी को इनक्रीज़ कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स हम अपनी सोशल रिसर्च की एक्यूरेसी को इनक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट रिसर्चर्स को यूज़ कर सकते हैं कि आया के वो रिसर्चर एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम डिफरेंट थेरीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं हम डिफ़रेंट मेजरमेंट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट मेथड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आया के हमारी रिसर्च के कॉन्लूजन्स जो हैं वो डिफरेंट वेज़ यूटिलाइज करने के बावजूद सेम है या नहीं अगर तो हमारी रिसर्च के कॉन्लूजनस डिफरेंट ऑब्ज़र्वर्स डिफरेंट मेजरमेंट्स डिफरेंट मैथड्स या डिफरेंट थेरीज़ को यूटिलाइज करने के बावजूद सेम रहेंगे तो हमारी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये था ट्रायंगुलेशन, यानी कि हम डिफरेंट एंगल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं डिफरेंट वेज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी या उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है ये चैप्टर बेसिकली इसी क्वेश्चन से डील करता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हार्ड डाटा यूज़ होता है हार्ड डाटा से मुराद है नंबर्स फीगर्स स्टेटिस्टिकल फीगर्स या मैथमेटिकल फीगर्स जो कि हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो बेसिकली नेचुरल साइंसिस के वेज को ही बोरो कर रही है सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो सॉफ्ट डाटा यूटिलाइज करती है सॉफ्ट डाटा से मुराद कोई वर्ड्स हो सकते हैं कोई पिक्चर हो सकती है कोई टेक्स्ट हो सकता है या कोई भी फिगर हो सकता है तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सॉफ़्ट डाटा यूज़ करते हैं जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हार्ड डाटा यूज़ करते हैं दूसरे नंबर पर कोंटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में जो मेजर डिफरेंस है वो है लैंग्वेजेस का क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो वेरिएबल और हाइपोथेसिस की लैंग्वेज यूटिलाइज़ करती है जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कॉन्टेक्स्ट की बात करती है वो कल्चर की बात करती है वो कल्चरल मीनिंग की बात करती है हाइपोथेसिस के बारे में हम ऑलरेडी थ्योरी एंड रिसर्च वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर शॉर्टली बात की जाए तो हाइपोथेसिस जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एक स्टेटमेंट होती है एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जबकि वेरिएबल के बारे में हम बात फिर करेंगे यहाँ पर शॉर्टली बताया जाए तो वेरिएबल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो वैरी करे। जैसा कि जेंडर जेंडर वैरी करता है जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हो सकता है इसके अलावा एज एज डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स की वैरी कर सकती है तो ये भी एक वेरिएबल है वेरिएबल से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो वैरी करे जो बदले तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो बात करती है वेरिएबल्स की वो बात करती है हाइपोथेसिस की जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बात करती है कॉन्टेक्स्ट की कोई स्पेसिफ़िक कॉन्टेक्स्ट की जिसमें कोई बात हो रही है वो बात करती है कोई स्पेसिफिक कल्चर की जिसमें कोई रिसर्च कंडक्ट की जा रही है वो बात करती है उन कल्चरल मीनिंग की जो किसी स्पेसिफिक कल्चर के हैं जिसमें रिसर्च कंडक्ट की जा रही है तीसरा मेजर डिफरेंस जो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्रिएट कर सकते हैं वो है केसेस का क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फ्यू केसेस को एनालाइज करते हैं जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम बहुत ज़्यादा केसेस को स्टडी करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन एयर अप्लाई करके या कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्लाई करके चौथा मेजर डिफरेंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में है उसके लॉजिक और पाथ का क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम अमूमन यूज करते हैं री लॉजिक जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज करते हैं लॉजिक इन प्रैक्टिस अब ये री लॉजिक और लॉजिक इन प्रैक्टिस क्या है री लॉजिक से मुराद ये है कि हम पहले से ही एक कॉन्स्ट्रक्टेड और एक लीनियर पाथ यूटिलाइज करेंगे एक पहले से तयशुदा वेज़ यूटिलाइज करेंगे सोशल वर्ल्ड को जानने के लिए यानी कि री लॉजिक से मुराद ये है कि हम कुछ स्टैंडर्डाइज और पहले से तयशुदा कुछ वेज़ यूटिलाइज करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप यूटिलाइज करते हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए जबकि लॉजिक इन प्रैक्टिस से मुराद ये है कि हम अपनी रिसर्च स्टडी को क्रिएटिवली किसी भी फील्ड में जाकर इम्प्रूव कर सकते हैं मोल्ड कर सकते हैं और इस तरह हम सोशल वर्ल्ड से मुतलिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं री लॉजिक को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं और ये पहले से ही स्टैंडर्डाइज और तयशुदा वे होता है जबकि लॉजिक इन प्रैक्टिस को हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूटिलाइज़ करते हैं और ये जो मेथड है ये क्रिएटिवली इम्प्रूव हो सकता है और इसको मोल्ड किया जा सकता है किसी भी फील्ड में रिसर्च कंडक्ट करते वक्त रिकॉन्स्ट्रक्टेड लॉजिक और लॉजिक इन प्रैक्टिस के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझसे भी मेरे एम फिल एंट्रेंस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था पाँचवें नंबर पर हम बात करते हैं रिसर्च पाथ की क्वान्टिटेटिव रिसर्च में हम लीनियर पाथ यूज़ करते हैं जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नॉन लीनियर पाथ यूज़ करते हैं लीनियर पाथ से मुराद ये है कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पहले से तयशुदा जो है वो वेज़ यूज़ करते हैं सोशल वर्ल्ड को जानने के लिए जबकि नॉन लीनियर पाथ से मुराद ये है कि हम रिसर्च कंडक्ट करते वक्त क्रिएटिवली कभी भी अपना रिसर्च डिज़ाइन जो है वो मोल्ड कर सकते हैं या अपना स्टेप आगे लेने के बावजूद हम कोई नई चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए पीछे अपना स्टेप ले सकते हैं या उसको क्रिएटिवली जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं छठा मेजर डिफरेंस जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में है वो है ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी से मुराद अगर आप एक वर्ड में जानना चाहें तो वो है न्यूट्रैलिटी मतलब ये कि जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आप रिसर्च को कंडक्ट करते वक्त अपनी सेल्फ़ को एज़ अ रिसर्चर ऐड नहीं करोगे आप रिसर्च कंडक्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वेज यूटिलाइज़ करोगे सोशल वर्ल्ड को जानने के लिए जबकि इंटेग्रिटी को अगर हम एक वर्ड में डिफ़ाइन करें तो वो होगा पर्सनल ओपननेस यानी कि रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करते वक्त अपनी वैल्यूज़ को ऐड करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा सोशल रिसर्च को कंडक्ट करने में आप अपनी पर्सनल वैल्यूज़ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने रिसर्च आर्टिकल या थीसिस में अपना पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को लिखने के बाद आप ऑनेस्ट रहेंगे सोशल रिसर्च कंडक्ट करते वक्त और पार्टिसिपेंट्स के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए तो जैसा कि इनकी एलेबोरेशन से ही क्लियर है हम ऑब्जेक्टिविटी को यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में और इंटेग्रिटी को यूटिलाइज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में तो अभी तक हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में मौजूद डिफरेंसेस को जाना हमने जाना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है वो हम हाइपोथेसिस और वेरिएबल की लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम हार्ड डाटा यूज़ करते हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा एक लीनियर पाथ यूज़ करते हैं हम रिकॉन्सट्रकट लॉजिक यूज़ करते हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी को यूज़ करते हैं जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सॉफ़्ट डाटा यूज़ करते हैं हम उसमें इंटेग्रिटी को यूटिलाइज़ करते हैं हम लॉजिक इन प्रैक्टिस यूज़ करते हैं हम नॉन लीनियर पाथ यूज़ करते हैं सोशल वर्ल्ड से मुतलिक जानने के लिए सोशल वर्ल्ड से मुतलिक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए इन अदर वर्ड्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लिसिट रिसर्च कंडक्ट करते हैं पहले से बिल्कुल बताए गए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करते हैं जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है वो हम इम्प्लीसिट वेज़ यूटिलाइज करते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पर्सनल इंटेग्रिटी और जिसे कहते हैं ना कि वर्दीनेस या फिर एक ट्रूथफुलनेस उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो प्री प्लान्ड होती है वो आप रिसर्च कंडक्ट करने से पहले ही स्टेप बाय स्टेप आप पहले से प्लान करते हैं कि मैं अपनी रिसर्च में पहले ये करूँगा जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि पहला स्टेप मेरा ये होगा दूसरा ये होगा तीसरा ये होगा मैं ऐसे अपना सैम्पल कलेक्ट करूँगा ऐसे उसका एनालिसिस करूँगा मैं ये सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करूँगा एनालिसिस करने के लिए मैं ऐसे कंक्लूड करूँगा जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो इमरजेंट रिसर्च होती है वो रिसर्चर फील्ड में जाने के बाद उन लोगों का कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने के बाद उन लोगों के मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद या फिर अगर मीनिंग को ना भी अंडरस्टैंड करे तो उस फोरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद डिफरेंट स्टेप्स लेता है वो फील्ड में जाने के बाद अगर उसे ये रियलाइज़ हो कि वो जिस चीज़ पर काम कर रहा है उससे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है वो जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है तो ग्राउंडेड थेरी में तो इवन के वो अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन भी चेंज कर सकता है किसी फील्ड में जाने के बाद तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इमरजेंट होती है यानी कि रिसर्चर जो है वो फील्ड में जाने के बाद डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज़ करने के बाद डिफरेंट स्टेप्स लेता है और अपनी रिसर्च को वो इम्प्रूव भी कर सकता है डिफरेंट सिचुएशन को एनालाइज़ करने के बाद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज़ करने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिव रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च जो है जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो प्री प्लान्ड है और वो जैसे नेचुरल साइंसेस वाले बिल्कुल पहले से एक प्री प्लान प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं साइंटिफिक वेज़ यूटिलाइज करते हैं इसी तरह सोशल साइंटिस्ट भी जो हैं वो नेचुरल साइंटिस्ट की तरह एक बिल्कुल प्री प्लान स्टेप बाई स्टेप वेज़ यूटिलाइज करते हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए